नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आंगनवाड़ी वेतन के अपडेट के बारे में नई न्यूज लेकर आए हैं। न्यूज दोस्तों अलग अलग राज्यों से निकल कर आ रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिले 22,000 रुपये, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिलेंगे 1,500 रुपये अतिरिक्त भत्ता। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। यह न्यूज उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से निकल कर आ रही है। महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय मजदूर संगठन के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर डीएम आमिस पर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने इस संबंध में ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम डीएम को सौंपा। इस दौरान धरने की अध्यक्षता मधु पसेड़ा ने की। शुक्रवार को कचहरी पहुंची महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष कृष्णा प्रजापति ने कहा कि हम अपनी मांगों को लेकर कई सालों से संघर्ष करता आ रहा हूं, बहनों को उनका हक नहीं मिल रहा है। 21 फरवरी 2019 में राज्य सरकार ने आंगनवाड़ियों को 1,500 रुपये मानदेय वृद्धि किया था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बल्कि जब जब आंगनवाड़ी सहायिकाएँ अपना अधिकार मांगने के लिए एक होकर आवाज़ उठाती हैं तो उनका सरकार व अधिकारियों द्वारा मानसिक व आर्थिक शोषण किया जाता है, जो कि संवैधानिक अधिकार के विरुद्ध है। मजदूर आंगनवाड़ियों को कम से कम न्यूनतम वेतन देने की कृपा करें ताकि इस महंगाई के दौर में अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये प्रति माह दिया जाए और स्कीम वर्कर केंद्र व प्रदेश सरकार के सभी वर्करों को राज्य सरकारी व केंद्र सरकारी घोषित किया जाए, साथ ही सभी सुविधाएँ भी दी जाएँ। केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में बनाए गए श्रम कानून का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए। सभी कर्मचारियों को भविष्य निधि, ग्रेच्युटी व चिकित्सीय अवकाश, वार्षिक अवकाश व त्योहारों का अवकाश भी शिक्षा विभाग की तरह दिया जाए। उन्होंने संबंध में एक ज्ञापन डीएम को सौंपा। इस दौरान सुधा त्यागी, संगीता राजपूत, मधु चंद्रकला, नीलू शर्मा, फूलमेश अर्चना उपाध्याय, अनिता शुक्ला आदि उपस्थित रही। दोस्तों अगली न्यूज निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश के भोपाल से। उपचुनाव से पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के बीच आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मामले में सियासी दखल के बाद अब राज्य सरकार ने उन्हें राहत दी है। प्रदेश के 1,80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकार ने उनका बकाया मानदेय भुगतान कर दिया है। इससे पहले पिछले 4 महीने से सहायिका एवं कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा 4,500 रुपये ही दिए जा रहे थे। राज्य सरकार अपने अंश के 5,500 रुपये का भुगतान नहीं कर रही थी, जिसके बाद लगातार उठने वाले मामले के बीच राज्य शासन ने बकाया का भुगतान किया है। दरअसल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में 22,000 रुपये पहुंचाए जाने की प्रक्रिया शुक्रवार से शुरू हो चुकी है, जहां विपक्ष के इस मुद्दे पर सवाल उठाने के बाद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश देते हुए कहा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं कोरोना वायरस को जल्द है उनका मानदेय भुगतान किया जाए, जिसके बाद कार्यकर्ताओं को बकाए का भुगतान किया गया है। वहीं राज्य शासन द्वारा हुई इस समय कार्रवाई पूर्व कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त सुल्तान सिंह शेखावत ने इस फैसले का स्वागत किया। सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा है कि कांग्रेस सरकार में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपये ही दिए जा गए, जबकि इन कार्यकर्ताओं को हर महीने 11,500 रुपये का मानदेय का भुगतान होना था। वहीं उन्होंने राज्य शासन से मांग की है कि इस संकट काल में ऐसे कोरोना वॉरियर को 1,500 रुपये हर महीने के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाए। बता दें कि मध्य प्रदेश के तकरीबन 1.5 लाख कोरोना वॉरियर्स को 4 महीने से आधे से ही कम मानदेय दिया जा रहा है। प्रदेश के करीबन 1,80,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को 10,000 रुपये के बजाय सिर्फ 4,500 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जा रहे थे। इसके साथ ही राज्य सरकार
द्वारा पिछले 3-4 महीने में कटौती हुए वेतन का हिस्सा भी जमा नहीं किया गया है। इसके बाद शुक्रवार को कमलनाथ ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था। अगली न्यूज है दोस्तों, पानीपत से निकल कर आ रही है 23 तक मांगे पूरी ना हुई तो आगे बढ़ाएंगे हड़ताल। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन हड़ताल पर का पिछले वित्तीय वर्ष में हुई घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हुई। रेगुलराइजेशन पॉलिसी को 24 को प्रदेश भर में संघ का प्रदर्शन। पानीपत, प्रदेश के 8,28,000 बच्चे और 2,57,000 गर्भवती महिलाओं को अब 4 दिनों तक पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, क्योंकि बुधवार से आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर एवं हेल्पर यूनियन ने इन 4 दिनों तक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल की घोषणा की है। सरकार के आखिरी विधानसभा बजट सत्र में शुरू होने के साथ ही कर्मचारियों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एनएचएम कर्मचारियों का अनशन शुरू। नारनौल में अर्धनग्न प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। उनका मंगलवार से जिला मुख्यालय पर 72 घंटे का अनशन शुरू हो चुका है। नारनौल में कर्मचारियों के अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। उनकी हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी के बटन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे हमारे आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।